हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात हुई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न, यूएन ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 5.7%। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, तो इसने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 5.7% कर दिया है। पहले इसने 7.6% अनुमानित किया था, तो अब इस अनुमान को घटाकर 5.7% कर दिया है। हम बात हुई यूएन की, तो यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और वर्तमान में यूएन के महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? तो ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में झरिया को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। झरिया ये झारखंड का एक शहर है, और झरिया के बाद इसमें भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है धनबाद को, और धनबाद भी झारखंड का ही शहर है। तो पहले नंबर पर है झरिया, दूसरे नंबर पर है धनबाद, और इसमें दिल्ली 10वें नंबर पर है। और अगर बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है, तो मिज़ोरम का लुंगलेई शहर। मिज़ोरम का लुंगलेई शहर सबसे कम प्रदूषित शहर है। ग्रीन पीस इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मानव गगनयान मिशन के फ्लाइट सर्जन को कौन सा देश प्रशिक्षित करेगा? तो भारत के सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मानव गगनयान मिशन के फ्लाइट सर्जन को प्रशिक्षित करेगा फ्रांस। गगनयान मिशन, इसके तहत 2020 तक 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए जो फ्लाइट सर्जन यानी कि जो चिकित्सक होंगे उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगा फ्रांस। बात हुई फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन। इमैनुएल मैक्रोन। अपने ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है प्रिया प्रकाश को। यह है प्रिया प्रकाश, और इसे इन्हें किस लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हेल्थ सेट गो की ये संस्थापक हैं। हेल्थ सेट गो ये एक संस्था है जो कि बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार लाने के लिए काम करती है। तो हेल्थ सेट गो की ये संस्थापक हैं, और इसके माध्यम से इन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम किया है, तो इसीलिए इनको ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ग्लब्स ने, हाल ही में मनमोहन सूद का निधन हो गया, वे क्या थे? तो मनमोहन सूद ये पूर्व क्रिकेटर थे। ये थे मनमोहन सूद, और ये एक पूर्व क्रिकेटर थे, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ग्लब्स ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2019 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है 4.8%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2019 के लिए भारत की विकास दर को 4.8% अनुमानित किया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, और वर्तमान में इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, और इसकी मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया में चल रहे मैटन कप में भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला और दिव्यास सिंह पवार ने कौन सा पदक जीता? तो इन दोनों ने जीता है स्वर्ण पदक। ऑस्ट्रिया में मैटन कप चल रहा है, तो इसमें भारत की अपूर्वी चंदेला ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, और दिव्यांश सिंह पवार इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक इसमें जीता है। बात हुई ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ओपेक का मुख्यालय है वियना में। अगला प्रश्न, ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत है 51वें स्थान पर। यहां पर ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, भारत है इसमें 51वें स्थान पर। ईआईयू लोकतंत्र सूचकांक यानी कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये अभी हाल ही में जारी किया गया है, तो इसमें भारत 51वें स्थान पर है। पिछले साल इसमें भारत 41वें स्थान पर था, तो इस बार 10 पायदान नीचे गिरकर भारत इसमें 51वें स्थान पर आ गया है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है आइसलैंड, तीसरे स्थान पर है स्वीडन, और इसमें सबसे लास्ट स्थान पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इसमें 167th पोजीशन पर है, तो नॉर्थ कोरिया इसमें सबसे लास्ट स्थान पर है। तो आप ध्यान रखिए, भारत इसमें 51वें स्थान पर है, नॉर्वे पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, किस देश में हाल ही में भारत द्वारा पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नाइजर में। हाल ही में नाइजर में भारत द्वारा पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया, और इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इसोफू ने किया है। नाइजर के राष्ट्रपति हैं महामदो इसोफू, तो इन दोनों ने मिलकर इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। बात हुई नाइजर की, तो नाइजर की राजधानी है नियामी, नियामी इसकी राजधानी है। नाइजर की करेंसी है फ्रैंक, और नाइजर के राष्ट्रपति हैं महामदो इसोफू, महामदो इसोफू। दक्षिण, भारत 2020 के वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत है 72वें स्थान पर। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, तो इसमें भारत है 72वें स्थान पर। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर, तो इसमें भारत है 72वें स्थान पर, और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्नों की, तो कल मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर था 76वें स्थान पर, और लगभग सभी लोगों ने। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो इसमें पहले स्थान पर था डेनमार्क, डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर था। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक कहाँ शुरू हुई? तो इसका सही आंसर था स्विट्जरलैंड के दावोस में, और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लॉन्च की है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है,
किस देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।